खबर सबसे पहले। कराची में एक बार फिर तूफानी बारिश, सड़कें तालाब बन गईं। ट्रैफिक जाम में यूनिवर्सिटी रोड, शाहर फैसल, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल के इलाके पानी में डूब गए। आईआई चंडीगढ़ टावर, क्रिप्टन डिफेंस और इतराफ में बूंदाबांदी। अजीजाबाद, करीमाबाद, लांडी, कोरंगी, मलीर में भी बारिश। बारिश के बाद कई इलेक्ट्रिक का सिस्टम बैठ गया। 600 से ज्यादा फीडर मुतासिर। मलीर, इब्राहिम हैदरी, लियाकताबाद में 20 घंटे बाद भी बिजली न आई। महमूदाबाद, ग्रीन टाउन, अजीमपुरा, कोरंगी, सुरजानी टाउन में भी बिजली गायब। शाह फैसल कॉलोनी के मकीनों का कई इलेक्ट्रिक के दफ्तर और अमले का घेराव। मुजाहरीन की अमले के खिलाफ नारेबाजी। कराची में करंट लगने और मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जान बहक। सुरजानी नदी में बच्चा डूब गया। गुलशन इकबाल सिटी कोर्ट, सिविल अस्पताल के करीब, मॉडल कॉलोनी और दीगर इलाकों में करंट लगने से 9 अफराद जान से गए। लाशें सिविल, जिना और शहीद अब्बासी अस्पताल मुंतकिल। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। नशेबी इलाके जेरे आब आ गए। डैविस रोड, मॉल रोड, जेल रोड से मुलहक्का कई इलाके जेरे आब आ गए। और कोरोना से मुतासर मईशत बहाली को तैयार, आज से शुरू हो गया कारोबार। सियाहती मकामात खुल गए, होटल, रेस्टोरेंट, थिएटर और सिनेमा हॉल्स पीर से खुलेंगे। मजारात भी खोलने की इजाजत। हुकूमती फैसलों से कारोबारी बरादरी में खुशी की लहर दौड़ गई। एयरपोर्ट्स पर आलमी और डोमेस्टिक परवाजें कल से बहाल करने का फैसला। सिविल एविएशन ने नोटिस जारी कर दिया।